गुड मॉर्निंग एवरीवन. टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर द वॉर्म दैट वुडंट विगल. द चैप्टर नंबर 8 एंड दिस इज अबाउट अ वॉर्म. वॉर्म मीन्स इंसेक्ट एंड द विगल मीन्स मूविंग अप एंड डाउन. एक ऐसे वॉर्म के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे जो वुडंट विगल, जो नहीं कर सकता है, विगलिंग नहीं कर सकता है, मूव नहीं कर सकता अप एंड डाउन. एंड व्हाई एंड हाउ वी विल रीड फ्रॉम दिस पोयम. बट बिफोर रीडिंग द पोयम वी हैव लुक ऑन अ पैप. नाउ टर्न ऑन द पेज नंबर 15 एंड लुक एट द पॉइंट 8.1. द पेप एट पॉइंट 1. नाउ ऑब्जर्व द इमेज ऑफ किड्स प्लेइंग इन अ पार्क. हेयर वी हैव अ पिक्चर ऑफ अ किड्स. Here is a boy and a girl and they were playing on a slide and laughing. And what is the given questions are there? First is, why do you think they are laughing? आपको क्यों लगता है कि वो क्यों हंस रहे हैं? Why they were laughing? And what are the things that make you laugh? List them here. और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको हंसा सकती हैं? List them here. So this is your homework. You have to do as your home fun and enjoy the poem. ओके ये आपको करना है और इसके रेस्पॉन्सेज आपको मैम को बताने हैं. क्लियर दैट. नाउ टर्न द पेज पेज नंबर 16. टर्न ऑन द पेज नंबर 16. द प्रेजेंट पोयम द वॉर्म दैट वुडंट विगल. इट इज़ रिटन बाय द स्टीव एटवेल. स्टीव एटवेल इज़ अ पोएट ऑफ प्रेजेंट पोयम. Let us read a funny poem about a worm who could not stop laughing. हम इसमें एक worm के बारे में पढ़ेंगे. Worm is an insect that wouldn't wiggle. जो नहीं कर सकता है up and down. और it is very funny poem. इस poem में जो worm होता है वो अपनी laughing को नहीं रोक सकता. And how? ऐसा क्या होता है कि वो अपनी हंसी को control नहीं कर सकता और move नहीं कर सकता? क्या होता है उसके साथ? नाउ लेट अस रीड अबाउट अ पोयम. आल्दो आई एम अ वॉर्म आई नेवर यूज टू विगल. कॉज व्हेन माय टमी रब द फ्लोर इट ऑलवेज मेड मी गिगल. आई कुडंट मेक इट हाफ अ यार्ड बिफोर आई हैड टू स्टॉप. बिकॉज आई वॉज लाफिंग वेरी हार्ड एग्जॉस्टेड आई वुड फ्लॉप. आई वुड लाई डाउन ऑन द कॉम्बी ग्रास beneath a shady flower and recover from my giggle fit it took me half an hour. Now in this poem what the poet says that here you can see in the green strip here is the word meaning in the green strips you can see. Now although I am a worm, what he says that ki halanki main ek insect hu, I am a worm, I never used to wiggle. Main ek worm hu uske bawajood I never used to wiggle, I never used to move up और डाउन. मैं ऊपर नीचे नहीं हो सकता. जबकि आपने देखा होगा जो वर्म्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, वो कितना ऊपर से चढ़ते हैं, नीचे उतरते हैं, रेंगते हुए कैसे भी वो लोग अप एंड डाउन करते हैं. बट व्हाट ही सेज इट कि आल्दो आई एम अ वर्म बट नेवर यूज्ड टू विगल. बिकॉज व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई ही डिडंट विगल. बिकॉज व्हेन माई टमी रब्ड द फ्लोर इट ऑलवेज मेड मी गिगल. व्हाट इज़ द रीज़न. रीज़न इज दैट व्हेन एवर ही डू लाइक दैट इट्स टमी. टमी इट्स अ बैली. इट्स टमी रब द फ्लोर. एज इट टमी रब द फ्लोर इट मेक हिम लाफ. वो उसको हंसा देती है. जैसे ही वो चलता है अप एंड डाउन होने के लिए खिसकता है टमी. आपने देखा जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका टमी जो होता है वो फ्लोर से टच होता है. तो कह रहा है जैसे ही मैं चलता हूँ, जैसे ही मैं करता हूँ, तो मेरा टमी जो है वो जैसे ही फ्लोर से टच होता है. रब्ड मतलब इसे घिस कर चलना. जाहिर सी बात है जब वो इसे चलेगा तो उसका टमी जो है वो रब्ड तो होगा फ्लोर से. तो जैसे ही रब होता है, जैसे उससे चलता है, इट ऑलवेज मेड मी गिगल. वो हमेशा ही उसको क्या करता है, गिगल करता है. लाफ इन अ स्लीप वे. वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ गिगल. गिगल मीन्स लाफ इन अ स्लीप वे. वो उसको इतनी ज़्यादा हंसी आती है, इतनी ज़्यादा लाफिंग होती है, बिल्कुल स्लीप वे, एकदम स्ली लाफिंग करने लगता है. आई कुडंट मेक इट हाफ अ यार्ड बिफोर आई हैड टू स्टॉप. वो कह रहा है कि मैं इसको आई कॉन्ट डू इट इन अ हाफ अ यार्ड. मैं उसको हाफ अ यार्ड भी नहीं कर सकता. किसको मतलब इट मीन्स कि वो नहीं कर सकता, वो विगलिंग नहीं कर सकता. कितनी विगलिंग नहीं कर सकता. आई कुडंट मेक इट हाफ अ यार्ड. यहाँ तक कि उसको हाफ अ यार्ड भी वो उसको विगलिंग नहीं कर सकता है.
बिफोर आई हैव टू स्टॉप, और वो इतना ही कर पाता है, वो हाफ ए यार्ड भी नहीं कर पाता, उससे पहले ही उसको स्टॉप होना पड़ता है, काहे के लिए विगलिंग को स्टॉप करना पड़ता है, ही हैड टू स्टॉप बिकॉज आई वॉज लाफिंग वेरी हार्ड, क्योंकि जैसे उसका टमी रब करता है फ्लोर को, उसको इतनी ज़ोर से हंसी चलती है, बिकॉज आई वॉज लाफिंग वेरी हार्ड, बुरी तरीके से वो हंसता है, एग्जॉस्टेड आई वुड फ्लॉप, और वो इतना टायर्ड हो जाता है उस हंसी से कि इट वुड बी फ्लॉप, फ्लॉप मीन्स फॉल, यानी कि वो गिर जाता है, क्लियर। I would lay down on the comfy grass. देखिए here the meaning of comfy. Comfy means क्या होता है? Comfortable. Comfy grass. He would lay down on the comfy grass. जैसे वो गिरता है तो वो कहाँ गिरता है? In the comfy grass beneath a shady flower. किसके नीचे? जो shady flowers हैं उनके नीचे. And recover From my giggle fit, what is the meaning of giggle fit? The sudden attack of laughter. जो उसकी जो laughing है वो कैसी है? As a attack of a laughing. तो उसको जो अटैक ऑफ जो रिकवर होता है, उसको अपनी हंसी से रिकवर होने में कितना टाइम लग जाता है? इट टुक मी हाफ एन आवर. उसको हाफ एन आवर का टाइम लगता है उस चीज़ से रिकवर होने में, अपनी हंसी को कंट्रोल करने में, अपनी लाफिंग को कंट्रोल करने में. इट टेक्स टाइम हाफ एन आवर. What he says is that I would lay down on the comfy grass. हंसते हंसते वो अब comfy जो comfortable जो grass है बाग गार्डन में, वो वहाँ पर गिर जाता है beneath a shady flower के नीचे. And recover from, उसको recover होने में from my ये कौन बता रहा है? अपनी story बता रहा है worm, हमें अपनी story बता रहा है. तो my giggle यानी कि जो worm की जो giggle है, giggle fit है, जो एकदम उसको अचानक जो sudden जो attack हुआ है laughter का, उससे recover होने में it took me half an hour. उसको कितना टाइम लगता है? हाफ एन आवर का टाइम लगता है. यू हैव टू बी लुक एट द वर्ड एंड मीनिंग एंड यू हैव टू कॉपी इन योर नोटबुक. ओके एंड रिमेनिंग पोएम वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास. टुडे यू विल रिवाइज इट एंड try to understand what the poem is saying that, and we will complete our poem in the next class. Okay, now again we will revise this poem. I will explain you again. The worm that wouldn't wiggle. एक ऐसे हम पोएम पढ़ रहे हैं कैसे इंसेक्ट्स के बारे में. डैट वुडंट विगल, जो कि क्या नहीं कर सकता है? अप एंड डाउन नहीं कर सकता. डोंट मूव अप एंड डाउन. आई नेवर, व्हाट ही सेज अबाउट हिमसेल्फ दैट, वो अपनी कहानी खुद बताता है. व्हाट ही सेज दैट आल्दो आई एम ए वॉर्म, कह रहा है कि हालांकि मैं एक वॉर्म हूँ, मैं एक इंसेक्ट हूँ, बट आई नेवर यूज टू विगल, लेकिन मैंने कभी भी नहीं किया है विगलिंग, मैंने कभी नहीं करी है विगलिंग, मतलब मैंने कभी मूव अप एंड डाउन नहीं किया है, जबकि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो तो करते ही हैं. ठीक है, बिकॉज उसने ऐसा क्यों नहीं किया है? बिकॉज व्हेन माय टमी रब द फ्लोर, क्योंकि उसने ऐसा इसलिए नहीं किया है. वो बता रहा है कि मैं जब भी ऐसा करता हूँ तो मेरी जो टमी है वो जैसे ही फ्लोर को टच करती है, इट ऑलवेज मेड मी गिगल, और वो मुझे क्या बना देती है? जैसे ही मेरा जो टमी है, जो मेरा बैली है, वो फ्लोर को टच करता है, मुझे हंसी छूट पड़ती है मेरी, मुझे बहुत तेज़ हंसी का एकदम अचानक सडन अटैक आ जाता है लाफ्टर का, और मैं अपनी हंसी पे कंट्रोल नहीं कर पाता. एंड आई कुडंट मेक इट हाफ अ यार्ड, और मैं एक हाफ ए यार्ड भी नहीं चल पाता कि मेरी हंसी छूट पड़ती है इतनी तेज़. बिफोर आई हैड टू स्टॉप, उससे पहले ही मैं स्टॉप हो जाता हूँ. एंड बिकॉज आई वॉज लाफिंग वेरी हार्ड, मैं इतनी बुरी तरीके से हंसता हूँ, इतनी ज़्यादा हंसी आती है मुझे इतनी ज़ोर से कि आई feel exhausted and I would fall. Flop means flop, मैं थक जाता हूँ और थक के मैं गिर जाता हूँ. एंड आई वुड ले डाउन ऑन द कॉम्फी ग्रास, और मैं कहाँ गिरता हूँ? कंफर्टेबल जो ग्रास लगी हुई होती है, मेरी चोट नहीं लगती, लेकिन जो ग्रास होती है बिनीथ अ शेडी फ्लावर, वेयर आई वुड ले डाउन. एंड रिकवर फ्रॉम माई गिगल फीट, और मैं अपनी उस गिगल फीट से, अपने सडन अटैक से रिकवर होने में, जो मुझे हंसी का जो एक अटैक होता है उससे संभलने में, मुझे टेक्स टाइम ऑफ एन हाफ एन आर. मुझे कितना टाइम लगता है? हाफ एन आवर का टाइम लगता है. ओके, क्लियर दैट? होप यू विल अंडरस्टूड दिस स्टैंजास. टुडे वी रेड थ्री स्टैंजास एंड द लेफ्ट थ्री स्टैंजास वी विल रीड इन आवर नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर एंड रिवाइज इट एंड लर्न द वर्ड एंड मीनिंग ऑफ दिस पोएम.